नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तीन वर्ड का अंतर बताऊंगा, और वो तीन वर्ड क्या है, कीप, पुट और प्लेस। कीप, पुट और प्लेस, इन तीनों वर्ड्स का जो अर्थ होता है वो रखना होता है। रखने के अर्थ में तीनों का प्रयोग किया जाता है, और थोड़ा थोड़ा अंतर है। अर्थ तीनों का ही रखना होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसको हम लोग समझते हैं बाखूबी, एक एक करके। आइए, तो कीप रखना, पुट रखना, प्लेस रखना। लेकिन जब कीप का हम प्रयोग करते हैं तो किसी चीज़ को अस्थाई रूप से जब रखा जाता है, अस्थाई परमानेंट रूप से, तो वहाँ पर हम कीप का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु को, किसी चीज को जब हम रखते हैं तो अस्थाई रूप से रखते हैं, परमानेंट रूप से रखते हैं, वहां पर कीप होता है। पुट इसका भी अर्थ है रखना। जब किसी चीज को थोड़े समय के लिए रखते हैं, थोड़े समय के लिए, थोड़े क्षणिक समय के लिए रखते हैं, तो हम पुट का प्रयोग करते हैं। प्लेस का भी थोड़े समय के रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक प्लेस, किसी चीज को जब शांति से रखते हैं, पीसफुली रखते हैं, तब हम प्लेस का प्रयोग करते हैं। अर्थात परमानेंट जब किसी चीज को रखते हैं, कीप का। जब हम शॉर्ट टाइम के लिए किसी चीज को रखते हैं तो पुट, और किसी चीज को पीसफुली रखते हैं, शांतिपूर्वक रखते हैं, तो प्लेस का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं। He keeps a cow. वह एक गाय रखता है, पालता है। He keeps a dog. वह एक कुत्ता रखता है। He keeps an elephant. एक हाथी रखता है। He keeps a car. एक कार रखता है। तो keeps जो है वो अस्थाई रूप से है, अर्थात गाय रखा है तो साल भर रहेगी, डॉग है तो 2-3 साल रहेगा, एलिफेंट है, हाथी 2-3 साल 4 साल, और कार है तो कम से कम 2-4-10 साल तो रहेगी। तो कीप्स जो है वो अस्थाई रूप से रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं पुट को, जो थोड़े समय के लिए रखता है कोई चीज। आई पुट माई बुक ऑन द टेबल। पुट पुट पुट, तीनों फार्म एक जैसी। आई पुट, मैंने रखा, मैंने रख दिया। माय बुक, अपनी किताब को, ऑन द टेबल। अच्छा, किताब को रखा तो निश्चित तौर पे पढ़ूंगा, और जब पढ़ूंगा तो उसको हटाऊंगा वहां से, उठाऊंगा वहां से, तो थोड़ी देर के लिए हुआ कि नहीं हुआ। तो आई पुट माय बुक ऑन द टेबल। आई पुट माय कॉपी ऑन द टेबल। कॉपी मैंने रख दी टेबल पर, मेज पर, तो निश्चित तौर पर पढ़ने के लिए, लिखने के लिए किताब कॉपी उठाऊंगा। तो यहां पर जो है, जब पुट हुआ तो वो थोड़े समय के लिए रखा गया, किताब थोड़े समय के लिए। तो मैंने रखा किताब कहां पर, मेज पर, कितने समय के लिए, थोड़े समय के लिए। आई कीप अ काउ, मैं एक गाय रखता हूं, तो गाय रखता हूं या गाय पालता हूं, गाय पोसता हूं, तो गाय तो रहेगी, दूध देगी, फिर रखेंगे, फिर दूध देगी। तो इस तरह से जो है कीप्स अस्थाई रूप से रखने के लिए, और थोड़े समय के रखने के लिए पुट, और किसी चीज को शांत से जब रखते हैं, पीसफुली रखते हैं, तो वहां पर हम प्लेस का प्रयोग करते हैं रखने के लिए। जैसे सी प्लेस्ड अ डिश बिफोर मी। डिश थाली, खाने का भोजन। सी प्लेस्ड, उसने रख दिया मेरे सामने, किसका, थाली का भोजन, या एक थाली उसने मेरे सामने रख दी। अच्छा, तो शांति से रखा होगा क्योंकि खाने के लिए रखा, तो इसका प्रयोग पुट और प्लेस का भी थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन शांति से रखने के लिए प्लेस का प्रयोग करते हैं। आई पुट माई बुक कॉपी ऑन द टेबल। तो यहां पर जो है थोड़ी देर के लिए, यहां पर अस्थाई रूप से, और यहां पर शांत से। C
शी प्लेस्ड अ ग्लास ऑफ वाटर बिफोर मी, प्लेस अर्थात शी गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लेस्ड रख दिया अर्थात पानी दिया और मैंने पिया, और पिया हट गया, शांति से दिया थोड़ी देर के लिए दिया और काम खत्म। तो शी प्लेस्ड अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर मी, एक गिलास दूध मेरे सामने रख दिया, परोस दिया, प्लेस माने रखना परोसना, तो प्लेस शांतिपूर्वक रखने के लिए। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा कीप पुट और प्लेस का। अब यहां पर देखते हैं ही बियर्स अ बियर्ड, ही बियर्स अ बियर्ड वह दाढ़ी रखता है। अब यहां कीप पुट प्लेस में आपने अंतर जाना, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने मित्रों में इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना तो आप भूल ही नहीं सकते। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।